गाय में तेजी से फैल रही लंपी स्किन डिजीज ने आज प्रदेश भर में महामारी का रूप ले लिया है। पशुपालकों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इसी से जुड़ी एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जिसे देखकर के लोग भौंचक्के रह गए। राजस्थान में बीकानेर के एक गांव में स्थित शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति में लंपी स्किन डिजीज के लक्षण दिखाई दिए, जिससे हर कोई अचंभित है। ये चमत्कार है या आस्था, यह सोचने का विषय है, मगर इसको देखने के लिए मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार नापासर गांव के रामसर रोड पर सैन चौक में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति में लंपी जैसे दाने अपने आप फूटने लगे। भक्तों का कहना है कि कल शाम तक नंदी की मूर्ति में ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन आज सुबह से यह डिजीज बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग इसे चमत्कार कह रहे हैं, तो कई लोगों का कहना है कि भगवान शिव ने गायों की इस महामारी को अपने नंदी में समाहित कर दिया है। तो वहीं मंदिर में दर्शन करने पहुंचे पशुधन सहायक नगेंद्र सिंह का कहना है कि पहले ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था, इसे चमत्कार कहें या कुछ और, यह अपने आप में अलग है। इसमें कोई निशान वगैरह नहीं थे, और कल से ना ये आज सुबह से जो लंपी चल रही है ना, सेम ही वो लंपी की बीमारी की तरह वो बाहर निकल रही है सामने। ये तो मैं तो चमत्कार ही समझता हूँ। आपको लगता है? बिल्कुल है, और ये धीरे धीरे फैल रही है, फैल रही है बाहर, आगे से बैठ रही है। वहीं इस बारे में मंदिर के पुजारी बंसी भारती ने बताया कि भगवान शिव के नंदी की मूर्ति की नियमित पूजा और स्नान करवाया जाता है, लेकिन कभी भी ऐसे लक्षण नंदी पर नहीं दिखाई दिए। सुबह जैसे ही मूर्ति को स्नान करवाने आए तो देखा कि लंपी वायरस जैसे लक्षण इस मूर्ति में आ रहे हैं, जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या कुछ और है। भगवान शंकर हमें कुछ बताना चाह रहे, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब पत्थर की मूर्ति में ये हो सकते हैं, तो हम पशु या मनुष्य क्या क्या हो सकते हैं, ये भगवान शंकर हमें समझाना चाह रहे हैं, और इस चीज को हम समझ नहीं पा रहे कि किस प्रकार हो गए। और भगवान शंकर ही करेंगे क्या करना है, या भगवान कृष्ण करेंगे क्या करना है। विज्ञान के युग में इस तरह के चमत्कार को वैज्ञानिक नहीं मानते, लेकिन भक्तों की आस्था इतनी प्रबल है कि वो इसी भोलेनाथ का चमत्कार मान रहे हैं, जिसे देखने के लिए सुबह से दर्शनों का तांता लगा हुआ है। मैं रोज नंदी जी को स्नान कराता हूँ और प्रतिदिन स्नान कराता हूँ, मैंने कभी पहले ऐसी उंगलियां देखी नहीं थी। आज सुबह मैंने देखा तो पंडित जी को बुलाकर दिखाया कि ये देखो ये उंगलियां कैसे निकल रही है, तो पंडित जी ने ये देखा और सबको बताया। मैं वैसा ये अनुसार करते हैं, हम हमेशा ऐसा ही अनुसार करने की बात करते हैं। गोवंश में जो रोग फैला हुआ है वो कह रहे हैं पत्थर की मूर्ति है, और हमने सबको बताया है कि रामसर रोड पे शिवलिंग के पास वो नंदी महाराज है, जिनकी प्रतिदिन सेवा पूजा होती है, तो यहाँ पे पुजारी गणि से साफ करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ इस पर दिखाई नहीं देती है। और आज सुबह इन्होंने देखा कि शरीर पर काफ़ी जगह छोटे छोटे घुमरे टाइप के इस पर हुए हैं, और लंबी स्किन डिजीज नामक बीमारी के लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं। और सुबह जब इसके ये लक्षण दिखाई दिए, हम एक घंटे पहले यहाँ पर आए थे तो हमें कुछ कम दिखाई दिए, अभी एक घंटे के बाद में तीन चार जगह ऐसे वो दाग और चिन्ह ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कौन अच्छा? हाँ बिल्कुल, तो नगेंद्र सिंह जी चरण ने बताया कि ये लंबी स्किन डिजीज नामक बीमारी के लक्षण इसमें अभी दिखाई दे रहे हैं। विज्ञान के युग में इस तरह के चमत्कार को वैज्ञानिक नहीं मानते, लेकिन भक्तों की आस्था इतनी प्रबल है वो इसे भोलेनाथ का चमत्कार मान रहे हैं। सुबह से दर्शनों का तांता लगा हुआ है, ये चमत्कार है या कोई भौगोलिक घटना, ये सवाल सबके बीच में कुतूहल का विषय बना हुआ है। पंजाब केसरी के लिए बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।